दिनिकिया संबलपुर गस्तरे केंद्र मंत्री सतीश चंद्र दुबे वर्तमान से प्रेस मीट करछन्ति सदाशा को नै चलछु। देश की क्षेत्र में चौमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक एक योजना तैयार किया है जो हमको एक ताकत देगा। उड़ीसा का दर्शनीय सौदंज मंदिर स्मारक शिल्प वन्य जीव प्राकृतिक भूदृश्य और प्राचीन समुद्रीय तट को एक उत्तम पर्यटन के क्षेत्र में बनते हुए ताकत मिलेगा। हमारी सरकार और उनके विकास के लिए सहायता प्रदान करेगी। केंद्रीय बजट 2024 और 25 की नई नीतियां और पहल पेश की गई है जो देश के आर्थिक औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में उड़ीसा को एक स्थिति में और मजबूती प्रदान करेगी। गौर करने की बात है कि वैश्विक आर्थिक संघर्षों के बावजूद भारत ने 8.2% की प्रभावी आर्थिक वृद्धि दिखाई है। केंद्रीय बजट में कृषि उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने, पर्यटन को बढ़ावा देने, पिछड़े वर्गों आदिवासी समुदाय के कल्याण और पूर्वी भारत का ध्यान केंद्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे उड़ीसा को काफी लाभ होने वाला है। बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश से कनेक्टिविटी और ऊर्जा स्थिरता बढ़ेगी, जिससे राज्य भर में सतत विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उड़ीसा को कुल 1,25,444.52 करोड़ प्राप्त हुआ है, जो केंद्रीय करों के शुल्कों की शुद्ध आय के वितरण से 10% अधिक है। वित्त मंत्री ने उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल फसल किस्मों को विकसित करने के लिए कृषि अनुसंधान की व्यापक समीक्षा की घोषणा की। इस पहल पर उद्देश्य कीट प्रतिशोध प्रतिरोधी जल कुशल फसलें तैयार करना, जिससे उड़ीसा को काफी लाभ होगा, जहां कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, क्योंकि राज्य का 76% से भी अधिक लोग कृषि पर आधारित गतिविधि में रहते हैं। वित्त मंत्री ने प्रमुख उपभोग केंद्रों के पास बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन, हम लोग के गांव में लोग कहता है या तो सरकारी नौकरी करो नहीं तो सब्जी का खेती करो, उसको बढ़ावा देने के लिए सब्जी खेती को उत्पादन क्लस्टर विकसित करने की घोषणा की। एफपीओ सहकारी समितियों स्टार्टअप को बढ़ावा देने से उड़ीसा के सब्जी किसानों को काफी लाभ मिलेगा, खास करके भुवनेश्वर, भद्रक, सबलपुर जैसे शहरी क्षेत्रों के पास किसानों को काफी लाभ मिलेगा। प्रस्तावित राष्ट्रीय सहयोग नीति उड़ीसा में सहकारी क्षेत्र में सुव्यवस्थित चौमुखी विकास के लिए लाभकारी होगी, जहां पंजीकृत सहकारी समितियां 86.5 लाख से अधिक सदस्य हैं। इस तरह की पहल से राज्य के भीतर आर्थिक विकास की गति में बढ़ाने में मदद मिलेगी। पीएम विश्वकर्मा योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है।
विश्वकर्मा योजना जैसे गतिविधियों से उड़ीसा जैसे राज्य की पट चित्र कारीगरों सब्बलपुरी साड़ी बुनकरों टेराकोटा चित्रकारों और फिलग्री कलाकारों को शामिल करने में मदद मिलेगी। इसे कुशल कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाकर उड़ीसा अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित कर सकता है, साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है, पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है और इन क्षेत्रों में अस्थायी आजीविका का निर्माण कर सकता है। मोदी सरकार ने समग्र शिक्षा के तहत उड़ीसा राज्य को 2021-22 और 2023-24 के बीच 4,311.35 करोड़ की धनराशि जारी की है। जो छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूरे साल और उससे आगे की ओर ध्यान देते हुए यह बजट विशेष रूप से रोजगार कौशल और मध्यम वर्ग के केंद्रित शिक्षा रोजगार और कौशल पहल के लिए 1.48 लाख रुपए का आवंटन विकास अवसर को बढ़ावा देता है, जिससे उड़ीसा के युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा। हम सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर युवा वर्ग की आबादी 65% है, जो हर वर्ग का युवा है। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।